छायावाद कहने पर चांदनी रात, नौका विहार, जूही की कली आदि से संबद्ध कविताओं की याद अधिक दिलाई जाती है। कामायनी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास को पृष्ठभूमि में डाल दिया जाता है। छायावाद का यह मन चरित्र बनाने में कुछ उस युग के समीक्षकों और इतिहासकारों का योगदान है जो छायावाद को मूलतः प्रकृति संबंधी काव्य मानना चाहते थे। प्रकृति काव्य के प्रेमी होने के कारण स्वयं रामचंद्र शुक्ल इसी धारणा के निकट थे। उनका आग्रह तो यहाँ तक था कि प्रकृति को ही सर्वतः आलंबन मानकर कविता लिखी जा सकती है, लिखी जानी चाहिए। मानो उदाहरण प्रस्तुत करने की दृष्टि से उन्होंने स्वयं एक लंबी कविता सवैया जैसे छंदों में लिखी थी। कविता, वह हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती वहाँ। हिंदी साहित्य का इतिहास में छायावादी कवि चतुष्टय में से सुमित्रानंदन पंत के काव्य के प्रति विशेष रुझान का एक कारण भी आचार्य शुक्ल के मन का यह प्रकृति प्रेम और उसके प्रति उत्साह ही है। यह ठीक है कि छायावादी कवियों के आरंभिक काव्य में प्रकृति के प्रति एक किशोर सम्मोहन भाव दिखता है, पर धीरे धीरे इस प्रकृति का स्थान मानव जीवन और उसकी विविध जटिल भावभूमियाँ ले लेती हैं। जब सुमित्रानंदन पंत ने शुरू शुरू में लिखा था कि छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, तब शायद उनके जग में प्रकृति का ही विशेष महत्व था। पर यथार्थ की समझ के प्रयत्न में प्रकृति को बात दिए बिना भी उनकी तथा अन्य छायावादी कवियों की कविताओं में मनुष्य और उसके सामाजिक परिवेश का तनाव क्रमशः केंद्र में आता जाता है। विडंबना इस बात की है कि स्वयं इन कवियों की विश्व दृष्टि जहां जटिलतर और समृद्धतर होती गई, वहां इन कवियों के काव्य का जो मनश्चित्र हिंदी पाठकों और समीक्षकों की पहली पीढ़ी में बना था, वह हमारे साहित्यिक वातावरण में अभी भी परिव्याप्त है। छायावाद महज संध्या सुंदरी, चांदनी रात या नौका विहार का चित्र नहीं है, वह मूलतः शक्ति काव्य है। पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। इस युग की प्रतिनिधि रचना जयशंकर प्रसाद की कामायनी में देव और असुर संस्कृतियों से भिन्न और उनकी तुलना में अधिक सृजनात्मक मानवीय संस्कृति के विकास का आख्यान है, उसके वर्तमान संकट की समझ है और इस संकट के बचाव की संभाव्य दिशा सांकेतिक है। थके और पराजित मनु के प्रति अपने उद्बोधन का समापन श्रद्धा इन शब्दों में करती हैं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। यहाँ मूल संदेश शक्ति के नियोजन का है और संदर्भ राष्ट्रीय होते हुए भी चिंता समस्त मानवता की है। इसी के समानांतर स्थिति निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा में है। रावण के पक्ष में शक्ति आ गई है, राम यह जान समझकर स्तब्ध और हताश हैं। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दुर्गजल। प्रसाद के मनु और निराला के राम की हताश मन स्थिति बहुत कुछ मिलती जुलती है। मनुष्य मात्र के जीवन में कभी न कभी ऐसी मन स्थिति आती है, पर मनुष्य का साहस और सृजन क्षमता उसका अतिक्रमण भी करती है। जामवन राम को परामर्श देते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, संपूर्ण कविता की रचना दृष्टि यहीं से आलोकित और प्रवाहित होती है। शक्ति की परिकल्पना अनुकरण में संभव नहीं, शक्ति को सदा मौलिक रूप में ही परिकल्पित किया जा सकता है। शताब्दियों से पराधीन देश को इससे बड़ी और सार्थक दृष्टि कोई नहीं दे सकता। यहाँ राम जितना अपने लिए हैं, उतने ही सामूहिक राष्ट्रीय मन के प्रतीक हैं और उतने ही स्वयं कवि व्यक्तित्व के। ये कई अर्थ स्तर एक दूसरे से टकरा कर मानवीय आत्मशक्ति का एक विराट आख्यान प्रस्तुत करते हैं। कविता का अंत होता है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। महाशक्ति का राम के बदन में लीन हो जाना आत्मशक्ति के विकास की ही व्यंजना देता है। शक्ति अपने से बाहर कहीं नहीं,
अपने ही अंदर है, केवल उसे जागृत और विकसित करना है। और यह प्रक्रिया अपने में मौलिक है, विशिष्ट है। इसी संदर्भ में शक्ति की मौलिक कल्पना करने में छम राम को संबोधित करते हुए उन्हें नवीन पुरुषोत्तम कहा गया है। श्रद्धा शर्क की अंतिम पंक्तियों में शक्ति और विजय का जो संदेश है, विजयिनी मानवता हो जाए, वह यहाँ दूसरे कथावृत्त के बीच से फूटता है। शक्ति साधना का मूल स्वर एक है, और यही स्वर एक अपेक्षतया विस्तृत फलक पर निराला के तुलसीदास में मुखरित होता है। तुलसीदास काव्य कवि तुलसी की रचना प्रक्रिया को गतिशील होते हुए अंकित करता है, और इस रचना शक्ति के विमुक्त होने में राष्ट्रीय जीवन के सांस्कृतिक संदर्भों और कवि के वैयक्तिक प्रणय का अंतरक्रिया को सूक्ष्म स्तरों पर आलोकित करता है। रत्नावली के जन प्रचलित कथानक को लेकर निराला ने कवि के मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा सृजनात्मक पक्षों को एक संश्लिष्ट रूप में उभारा है। काव्य के अंतिम अंश में तुलसी को अपनी प्रिया का व्यक्तित्व देवी भारती सरस्वती में रूपांतरित होते दिखता है। उनकी आरंभिक सांस्कृतिक चिंतना और पत्नी के प्रति एकांत प्रणय भाव जैसे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। उनके हृदय में एक नया स्वर उठता है, जो असुर भावों से भुने प्रदेश में सर्वत्र गूंज उठता है। उस स्वर क्रम का एक छंद इस प्रकार है। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रतिछवि से जीवन हर जीवन भर, भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईश है उधर सबल माया कर। संस्कृतियों और विचारधाराओं का संघर्ष यों तुलसी के रामचरितमानस का प्रमुख उपजीव्य बनता है। भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संचित कौशल, यह संघर्ष निराला के तुलसीदास का है, स्वयं अपने कवि कर्म से निराला का है, जिसे वे राम की शक्ति पूजा में राम के माध्यम से अंकित करते हैं। रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर। इस तरह एक ही रचना में कई स्तरों पर यह जीवन मूल्यों और पक्षों का संघर्ष चित्रित हुआ है, जिसे शक्ति पूजा के आरंभ में कवि ने कुछ नाटकीय मुद्रा में राम रावण का अपराजेय समर कहा है। कामायनी की तो मूल वस्तु यही है, देव असुर और मानव संस्कृतियों की टकराहट। पहले देव और असुर संस्कृतियों का संघर्ष है, जिसका चित्रण प्रधानतः ईडा सर्ग में हुआ है। था एक पूजता देह दीन, दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण। फिर देव और असुरों की साझी संस्कृति से टकराकर नई मानवीय संस्कृति विकसित होती है, जो नश्वर है, पर अपनी नश्वरता में ही सृजनात्मकता बनती है और प्रेम की नई क्षमता को विकसित करती है। आधुनिक युग के पुनर्जागरण में यह संस्कृति संघर्ष की वस्तु अर्थ के स्तर पर और संचरणशील हो जाती है। अब टकराहट भारतीय और पाश्चात्य धाराओं के बीच है। इस सारे संघर्ष में मौलिक रचना शक्ति की जय, भारती और दुर्गा जिसकी प्रतीक अधिष्ठात्री हैं, कवि के आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु है। राम की शक्ति पूजा तुलसीदास और कामायनी में ही नहीं, प्रसाद के आंसू में भी, जिसे छायावादी परिदृश्य के अंतर्गत विरह काव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, सामान्य द्वंद्व और संघर्ष को अतिक्रमित कर जाने की प्रक्रिया अंकित हुई है। कामायनी में सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठकर आनंद की जो स्थिति है, कुछ वैसी ही स्थिति आंसू में वेदना की है। इसीलिए वेदना को कवि ने कहा है, जग द्वंद्वों के परिणय की है सुरभिमयी जयमाला। आंसू के अंतिम अंशों में पहुंचकर कवि का विरह भाव सार्वभौम वेदना में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ कवि का अनुभव इतना सघन उठता है कि उसे प्रकृति में और मानवता में जहाँ कहीं पीड़ा दिखती है, वह उसे अपनी वेदना का ही रूप लगती है। वह वेदना का अद्वैत है। इन सारी पीड़ाओं के तत्व में उसे रचना की उपलब्धि होती है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। आंसू की सघन वेदना में से निराशा का स्वर नहीं उपजता, उसमें से विराट रचना आस्था फूटती है। वेदना के आलोक का सर्वव्यापी प्रसार महादेवी वर्मा ने एक दूसरे स्तर पर आत्मीयता से चित्रित किया है। सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। छायावाद के विशिष्ट काव्यों और लंबी कविताओं के अतिरिक्त छोटे गीतों और कविताओं में भी मूलतः पुनर्जागरण की चेतना अंतर्व्याप्त दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात यहाँ ऐहिक जीवन और शरीर का महत्व, जिसे मध्यकालीन संतों और कवियों ने पानी का बुलबुला और
काग गीत का भोजन कहा था। एकता में यह आस्था आगे मानवीय आत्मविश्वास का आधार बनती है। इस एक बिंदु पर समूची मध्यकालीन हिंदी मानसिकता का जैसे महाकल्प हो गया हो। संन्यास, वैराग्य, तपस्या और परलोकवाद में आस्था जैसे मूल्यों के स्थान पर अब ऐहिक जीवन, इहलोक और मानव शरीर के आकर्षण का महत्व प्रतिपादित होता है। निष्काम कर्म की जगह प्रसाद की कामायनी में कर्म और भोग के सामंजस्य का गुणगान हुआ है। कबीर, सूर, जायसी, तुलसी भक्तिकाल के अंतर्गत संसार का निषेध करके परम तत्व की ओर मन को ले जाने का उपक्रम करते हैं। छायावाद के कवि इस संसार को पूरी तरह से साकार करके उसे परम तत्व से अभिन्न देखते हैं। हिंदी मानसिकता की विश्व दृष्टि पुनर्जागरण के संक्रमण में जैसे पूरी तरह से घूम गई हो, तब यह स्वाभाविक है कि भक्तिकालीन कवियों जैसा बड़ा व्यक्तित्व छायावादी कवियों का भी हो। सुमित्रानंदन पंत अपनी कृतज्ञता शीर्षक कविता में, जो छायावाद के मुख्य काल के बाद 1956 में लिखी गई, मानव शरीर के प्रति सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। देह के दोने में आत्मा के पावक धारण करने का बिंब शरीर की क्षमता को पूरी तरीके से प्रमाणित करता है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में ऐहिक जीवन में इसी आस्था और श्रद्धा का आख्यान प्रसाद ने किया है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर इसको तुम भूल बनाते हो असफल भावधाम। हमारी संस्कृति में शरीर और संसार की महत्ता एक बार फिर से स्थापित करने में छायावाद का योगदान केंद्रीय है, जबकि सामान्यतः उसे अतिदिंद्रिय अनुभव और कल्पना लोक से जुड़ा हुआ समझा जाता है। हिंदी आलोचना की दिलचस्प गड्डलिकाओं में से एक यह है, वस्तुस्थिति है कि मध्यकालीन कवि के लिए संसार पचड़ा था, आधुनिक युग का छायावादी कवि संसार में आनंद की संभावना देखता है। प्रसाद के प्रबंध काव्य कामायनी और पंत की संक्षिप्त कविता कृतज्ञता दोनों में संसार और देह के प्रति चिंता और कृतज्ञता की भावना से आरंभ करके कवि आनंद का भाव भूमि तक पहुँचाता है। चेतनता एक विलस्ती आनंद अखंड घना था, कामायनी प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, कृतज्ञता। यह छायावादी काव्य की मुख्य रचना भूमि है और अपने ऐतिहासिक काल के बाहर भी सक्रिय होने पर छायावादी कवि यहाँ पहुँच पाता है। छायावादी काव्य में शक्ति के आवाहन का एक और रूप इस युग के जागरण गीतों में मिलता है। पुनर्जागरण चेतना की बड़ी सूक्ष्म और प्रीतिकर अभिव्यक्ति इन गीतों में हुई, मनुष्य की और प्रकृति की भी। सुप्त चेतना को जगाने का उपक्रम यहाँ कवि ने सामान्यतः प्रशमित और कवि ओज की मुद्रा में किया है। छायावादी काव्य में एक बड़ी संख्या इन प्रभाती और जागरण गीतों की है, जिसमें एक ओर शक्ति और चैतन्य का आवाहन है और एक दूसरे तथा समकालीन संदर्भों में वो राष्ट्रीय स्वाधीनता के संघर्ष से जुड़े हैं। प्रथम प्रभात आँख से अलग जगाने को, अब जागो जीवन के प्रभात, बीती विभावरी जागिरी, जागो फिर एक बार, प्रिय मुद्रित दृग खोलो, जागा दिशा ज्ञान, जागो जीवन धनिके, जाग बेसुध जाग, जाग तुझको दूर जाना, प्रथम रश्मि ज्योति भारत, जैसे अनेक जागरण कविताएं अनायास स्मरण हो आती हैं। इनमें कुछ गीतों में व्यक्तिगत प्रणय और राष्ट्र जागरण के भाव एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। मानवीय प्रणय और देश प्रेम का संश्लिष्ट रूप वस्तुतः छायावादी काव्य से पहले ही श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि स्वच्छंदवादी कवियों की रचनाओं में मिलने लगता है। त्रिपाठी के खंड काव्य पथिक और स्वप्न का विधान मुख्यतः इसी वस्तु पर विकसित हुआ है। मुख्य बात यह है कि छायावादी काव्य के इस बहुत बड़े अंश में पुनर्जागरण की चेतना सीधे लहराती है। गीतों के अतिरिक्त लंबी कविताओं के खंडों में जागरण का यह स्वर गूंजता है। आंसू की बात के हिस्से में एक पूरे का पूरा खंड प्रातःकालीन बिंबों के बीच जागरण बेला का चित्रण करता है। वह मेरे प्रेम बिहस्ते जागो मेरे मधुमन में, फिर मधुर भावनाओं का कलरव हो इस जीवन में, मेरी आहों में जागो सुस्मित में सोने वाले। हे जन्म जन्म के जीवन साथी संस्कृति में दुख के, पावन प्रभात हो जाए जागो आलस के सुख में, इसी प्रकार का जागरण स्वर तुलसीदास के समापन अंश में उभरता है। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रभात पूर्वांचल, बांधो बांधो किरणे चेतन, तेजस्वी है तमज जीवन
आती भारत की ज्योतिवर्धन महिमा बल। लंबी और छोटी कविताओं और गीतों की बंदिश में विरह और प्रेम और आनंद की विविध भावभूमियों में सर्वत्र एक ज्योति और जागरण की चेतना स्पंदित है। इस तरह अपने व्यक्तिगत प्रणय और राष्ट्र प्रेम की अनुभूति में और उसके संश्लेष में छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। यहाँ शक्ति काव्य का सामान्य साधारण अर्थ राष्ट्रीय काव्य नहीं लगाना है। इस टिप्पणी का उद्देश्य राष्ट्रीय काव्य के महत्व को कम करना नहीं, पर यह ध्यान दिलाना है कि छायावादी काव्य में राष्ट्र जागरण से अधिक समग्र चेतना का जागरण और आवाहन है। उसमें अंतर्निहित शक्ति के विकास का रचनात्मक उपक्रम है। यहाँ राष्ट्रीय से अधिक संपूर्ण सांस्कृतिक जागरण प्रधान है। राष्ट्रीय जागरण वस्तुतः सांस्कृतिक जागरण के अंग रूप में आता है, तो पुनर्जागरण की मूलधारा के अनुरूप है। यूँ कह सकते हैं कि छायावाद की राष्ट्रीयता में आधार राजनीति की अपेक्षा संस्कृति है। राजा राममोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक पुनर्जागरण का स्वरूप मूलतः संश्लिष्ट है। वह समग्र मानवीय और भारतीय व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयासशील है, और पुनर्जागरण अवरुद्ध वही हुआ है जहाँ राजनीति को गलत अनुपात में महत्व मिल गया। छायावादी कवि पर जहाँ अति भावुकता, सूक्ष्मता और वायवीयता के आरोप लगाए गए हैं, वही उसमें पलायनवाद को भी ढूंढ निकाला गया। समीक्षा ग्रंथों के विविध वादों के अंतर्गत जहाँ रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद आदि की चर्चा होती है, वहाँ पलायनवाद का भी उल्लेख किया जाता है। और अनिवार्यता प्रसाद की एक पंक्ति बार बार उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होती है, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। बिना इस पूरी कविता को समझे यह आरोप संपूर्ण छायावादी काव्य पर लगा दिया जाता है, जिसमें जीवन के संघर्ष से पलायन करने की वृत्ति है। हिंदी आलोचना में छायावाद को लेकर जिस गड्ढालिका का पहले उल्लेख किया गया, उसी का एक अंश यह है। इस कविता में विश्राम की मुद्रा का चित्रण है या पलायन की आकांक्षा है, यह समझने का यत्न नहीं किया गया। विश्राम तो श्रम का पूरक है और पलायन कर्म श्रम संघर्ष से भागना है। कर्म का भोग, भोग का कर्म के माध्यम से कर्म और भोग की संश्लिष्ट तथा आधुनिक संदर्भ में नई दृष्टि प्रस्तुत करने वाले कवि के लिए इससे बड़ी विडंबना की बात और क्या हो सकती है कि उसे पलायनवादी करार दिया जाए। गीता को केंद्र में रखकर गतिशील हुए पुनर्जागरण आंदोलन में निष्काम कर्म के स्थान पर कर्म भोग के संश्लेष को प्रस्तावित कर सकना प्रसाद जैसे समर्थ रचनाकार के लिए ही संभव था। गीता की मूल दृष्टि को प्रशस्त कर पाना वस्तुतः किसी भी भारतीय लेखक और विचारक के लिए स्मरणीय है।